सानेह मच। कराची में इजहार यकजहती के लिए 25 से जायद मकाम पर एहतजाज। मरकजी धरना नुमाइश चौरंगी पर दिया जा रहा है। नाता खान कॉलोनी गेट, कामरान चौरंगी, जोहर मोड़, पावर हाउस, सरजानी और अंचोली भी शामिल। सानेह मच के मुतासरीन से इजहार यकजहती। लाहौर, इस्लामाबाद और मुल्तान समेत मुख्तलिफ शहरों में धरने जारी। मुतासरीन को इंसाफ फराहम करने का मुतालबा। जितना जुल्म हजारा कम्युनिटी पर हुआ, पाकिस्तान में इतना किसी पर नहीं हुआ। धरने पर बैठने वालों के तमाम मुतालबात मान लिए। वजीर आजम इमरान खान ने दौरा क्वेटा मच में जाम बहक होने वालों की तदफीन से मशरूत कर दिया। प्राइम मिनिस्टर साहब जो है वो क्वेटा किसी वक्त भी जा सकते हैं। मेरे समेत तमाम लोगों की यही राय थी जब हमने ये राय दी कि आपने जाना है, आपको जाना चाहिए। उससे पहले ही वो ये फैसला कर चुके थे कि उन्होंने जाना है। हमारी पूरी कोशिश है कि अमन व अमान में और लॉ एंड ऑर्डर में बेहतरी के हालात रहें। वजीर आजम किसी भी वक्त क्वेटा जा सकते हैं। वफाकी वजीर दाखला शेख रशीद कहते हैं पूरी कोशिश है अमन व अमान में बेहतरी आए। मच वाकये में शहीद अफगान कानकुनों के लवाहिकीन को भी माली इमदाद देने की हिमायत। मुल्क में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 6.35% रिकॉर्ड। कराची में सबसे ज्यादा शरह 17.06%, पेशावर 12.59% के साथ मुतासरा शहरों में दूसरे नंबर पर। कोरोना से मजीद 48 अफराद जान से गए। अमवात की तादाद 10,558 हो गई। 24 घंटे में मजीद 2,435 नए केसेस सामने आ गए। चार बातें मैंने कही थी कौम के सामने। नंबर एक, ये ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लेंगे, ये ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। मैंने कहा था ये सेनेट के इलेक्शन में हिस्सा लेंगे, ये सेनेट के इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। मैंने कहा था कि ये रिज़ाइन नहीं करेंगे, इंशाल्लाह रिज़ाइन नहीं करेंगे। चौथा मैंने कहा था ये लॉन्ग मार्च करेंगे और वो उसी शेर पर ख़त्म करता हूँ कि वफा करोगे वफा करेंगे, जफा करोगे जफा करेंगे, सितम करोगे सितम करेंगे। हम आदमी हैं तुम्हारे जैसे, जो तुम करोगे वो हम करेंगे। विपक्षी वजीर दाखला शेख रशीद ने 60 से 90 रोज को सियासत के लिए अहम करार दे दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा अपोजिशन वाले इस्तीफे नहीं देंगे। एहतजाज के दौरान कोई रुकावट भी ना खड़ी करने का ऐलान कर दिया। पीडीएम वाले पाकिस्तान में इंतजार फैलाकर दुश्मन के एजेंडे को पूरा करना चाहते हैं। इल्जामात की सियासत करने वालों का कोई मुस्तकबिल नहीं। वजीर अला पंजाब उस्मान बुजदार। ये हुकूमत अपने आप को तिफल तसलियां दे रही है और इंशाल्लाह ताला पीडीएम इस हुकूमत गैर जमहूरी हुकूमत का खात्मा करके और मुल्क में नए इलेक्शन की तरफ जा रही है। नैब को जुरत नहीं हो रही कि वो मौलाना फजलुर रहमान साहब को नोटिस भेजें या उनकी तरफ देखें, क्योंकि नैब को पता है कि वो प्रेशर में काम कर रही है। नैब का इतना नेक नाम अदारा बना था जो कि इस हुकूमत ने अपने मकासद पूरे करने के लिए बदनाम कर दिया। हुकूमत 2 माह में खत्म हो जाएगी, लीगी रहनुमा सफदर आवान का दावा। कहते हैं अब नैब को जुरत नहीं हो रही, मौलाना फजलुर रहमान को नोटिस भेजे। नवाज शरीफ पाकिस्तानी है, वो जब चाहे आ और जा सकते हैं। ऑपोजिशन जितनी चाहे टपूसियां लगाए, करप्शन का हिसाब देना होगा। फिरदौस आशिक आवान का ट्वीट। खबरदार भी किया कि करप्शन के आकाओं और इनकी औलादों को कानून से पंजा आजमाई महंगी पड़ेगी। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का सऊदी हम मनसब से टेलीफोनिक राब्ता। खलीजी रियासतों में ताल्लुकात बहाली का खैर मकदम। दोनों रहनुमाओं में दो तरफा ताल्लुकात समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर भी गुफ्तगू हुई।
आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का दौरा बहरीन, वली अहद, वजीर आजम और सुप्रीम कमांडर से मुलाकातें, दिफाई तआवुन और मशरक़ वुस्ता की सिक्योरिटी सूरत हाल पर गुफ्तगू। हमजा शहबाज का ट्रायल कब तक मुकम्मल होगा? सुप्रीम कोर्ट ने एहतसाब अदालत से जवाब तलब कर लिया। अदालत ने दरख्वास्त गुजार के वकील को मुखातिब किया कि केस चलने पर मुतमईन है तो मसला क्या है। असासाजात केस में साबिक डीजी एलडीए अहद चीमा पर पर्दे जुर्म आयद, मुलजिम का सहते जुर्म से इनकार, अदालत ने नैब के गवाहान को शहादतों के लिए तलब कर लिया। करप्ट सरकारी अफसरान के खिलाफ घेरा तंग, एंटी करप्शन पंजाब ने साबिक रजिस्ट्री मुहर्रर और मेट्रोपॉलिटन आर्किटेक्ट समेत 5 अफसरान को गिरफ्तार कर लिया, मुकदमा दर्ज। लीगी रहनुमा अमीर मकाम के स्क्वाड में शामिल गाड़ी खाई में जा गिरी, हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। अमीर मकाम का कहना है कि गाड़ी स्लिप होने के बावजूद हादसे से महफूज रही। नवाबशाह में 0 पॉइंट स्क्रंद रोड पर धुंध के बाइस कोच उलट गई, हादसे में 3 अपराध जहां बहक, 16 जख्मी हो गए। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी, इंडेक्स में 404 पॉइंट्स का इजाफा, 100 इंडेक्स 45,747 पॉइंट्स पर पहुंच गया। All of us here grieve the loss of life, grieve the desecration of the people's house. But what we witnessed yesterday was not dissent, it was not disorder, it was not protest, it was chaos. नामुंतखब अमरीकी सदर जो बाइडन ने कैपिटल हिल पर हमला करने वालों को दहशतगर्द करार दे दिया, कहा हमला करने वाले मुजाहिर नहीं शरपसंद बलवाई थे, अगर सियाफामों ने दावा बोला होता तो इनसे मुख्तलिफ सलूक किया जाता, अमरीकी सदर कानून से बालातर नहीं। कैपिटल हिल हंगामा राय, पार्लियामेंट लॉजिस से 2 पाइप बम और धमाका खेज मवाद बरामद, 90 से ज्यादा अफराद गिरफ्तार, मेयर वाशिंगटन का कांग्रेस से वाकई के जिम्मेदारान को कानून के कटहरे में लाने का मुतालबा। लाइक ऑल अमेरिकन्स आई एम आउटरेज्ड बाय द वायलेंस, लॉलेसनेस एंड मेहम, आई इमीडिएटली डिप्लॉयड द नेशनल गार्ड and federal law enforcement to secure the building and expel the intruders. America is and must always be a nation of law and order. The demonstrators who infiltrated the Capitol have defiled the seat of American democracy. सदर ट्रंप की कैपिटल हिल पर हामियों के हमले की मजम्मत, बयान में कहा हामियों ने मायूस किया, 20 जनवरी को नई इंतजामिया अमेरिका की बागडोर संभालेगी। अमरीकी वजीर तालीम ने इस्तीफा दे दिया, वजीर तालीम ट्रंप काबीना के मुस्ताफी होने वाली दूसरी रुकन है। मकबूजा कश्मीर में भारतीय सफाकियत जारी, काबिज फौज की इंसानी हकूक के खिलाफ वर्जियां मामूल बन गई, नाम नहाद सर्च ऑपरेशन की आड़ में कश्मीरियों की जिंदगी अचीरन बना दी। भारत में जालिम कानून के खिलाफ किसानों का एहतजाज जारी, काश्तकारों का ट्रैक्टर मार्च, लोगों को दिल्ली धरने में शिरकत की दावत।
बरतानिया रवानगी से 72 घंटे पहले कोरोना टेस्ट कराना लाजम करार। कोरोना टेस्ट के बगैर बरतानिया पहुंचने वालों को £500 जुर्माना भरना होगा।